जय हिंद। पुलिस का एक इंस्पेक्टर पुलिस क्लब के पास खड़ा होता है, तभी अचानक से सचिन नाम का एक व्यक्ति उससे मिलने के लिए पहुंचता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और सचिन इंस्पेक्टर साहब के हाथ में कथित तौर पर कुछ पकड़ाता है। अब जैसे ही सचिन इंस्पेक्टर साहब को ये सामान देता है, उसके बाद अचानक से सादे कपड़ों में कुछ लोग आकर इंस्पेक्टर साहब को पकड़ लेते हैं, या फिर यूं कहें कि दबोच लेते हैं। और ये सब कुछ सड़क पर मौजूद लोग वहां पर देख रहे थे। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर स्तर के एक अधिकारी को सादे कपड़ों में ये लोग पकड़े हुए कौन खड़े हैं। इसके बाद जो सच निकल कर सामने आया, उसे देखकर और सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, जहां पर कानपुर की एक कॉलोनी का रहने वाला असलम नाम का व्यक्ति साल 2004 में एक प्लॉट खरीदता है। अब ये प्लॉट काफी देख कर सोच कर समझ कर असलम ने खरीदा था। इसकी चार दीवारी हुई थी, बाकायदा गेट लगा हुआ था। अब असलम के परिवार में खुशियां मनाई जा रही थी, पर कुछ साल बीत जाने के बाद असलम को अचानक से एक दिन खबर मिलती है कि कुछ लोगों ने उसके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। असलम को पता चलता है कि फहद नाम का एक व्यक्ति है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिनके नाम भूपेंद्र, गौरव सिंह, गौरव शुक्ला, ताबिश और इसके साथ ही सचिन विमल हैं, उनके साथ मिलकर उसने उनके प्लॉट को पहले अपने नाम करवाया और उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा कैसे हुआ? 30 मार्च के दिन जो असलम है उसने अपना एक गार्ड या फिर यूं कहें कि देखरेख के लिए एक व्यक्ति वहां पर छोड़ा हुआ था। अब अचानक से कुछ लोग आते हैं, वो गार्ड के साथ मारपीट करने लगते हैं, गाली गलौज कथित तौर पर देने लगते हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जब ये सब कुछ हुआ तो गार्ड डर जाता है, पर ये लोग सिर्फ इतना नहीं करते, इसके बाद रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर एक गोली भी चलाई जाती है। अब गोली का जब फायर होता है तो गार्ड भी डर जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। अब इसके बाद जब यह खबर असलम को लगती है तो वो भी हैरान परेशान हो जाता है कि मैंने पहले प्लॉट खरीदा, पैसे खर्च किए, उसके बाद एक गार्ड को भी पैसे दिए कि तुम मेरे प्लॉट की रक्षा करो ताकि कोई व्यक्ति इस पर आकर जबरन कब्जा ना करे, पर उसके बावजूद अगर यह सब कुछ हो रहा है तो किसकी मदद ली जाए। अब असलम जब अपने प्लॉट पर आकर हकीकत देखता है तो उसे पता चलता है कि सचिन विमल और बाकी कुछ लोगों ने फहद के साथ मिलकर उसके प्लॉट पर कब्जा कुछ ऐसे किया है कि जो चार दीवारी थी और जो गेट लगा हुआ था उस पर जो ताला था उसके ताले को कथित तौर पर तोड़ा गया और तोड़ने के बाद उन्होंने अपना ताला उस प्लॉट पर लगा लिया। अब इसके बाद असलम सारी तस्वीर देखने के बाद पहुंचता है पुलिस के पास और उन्हें पूरी तस्वीर बयान करता है। पुलिस इस पूरे मामले में मामला रजिस्टर करती है मारपीट का, जान से मारने की कोशिश का और धमकी देने का। अब यह मामला तो रजिस्टर हो जाता है पर असलम के मुताबिक कोई भी कार्रवाई नहीं होती। वो पुलिस के पास चक्कर बार बार लगाता है, कई बार लगाता है, पर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं होती। अब यह तो इस मामले में एक पक्ष है, दूसरा पक्ष यह है कि जब यह FIR रजिस्टर हुई तो FIR रजिस्टर होने के बाद जितने भी लोगों पर मुकदमा रजिस्टर हुआ, उस पूरे मामले की जो छानबीन है या फिर यूं कहें जांचकर्ता, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो थे हीरा सिंह। अब हीरा सिंह इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रहे थे, जितने भी आरोपी थे उन्हें फोन करके बुला रहे थे, इस पूरे मामले की विवेचना कर रहे थे। अब सचिन विमल को जब यह बात पता चलती है कि इंस्पेक्टर हीरा सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं तो वो उनके पास पहुंचता है और कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उन्हें कहता है कि सर मेरे खिलाफ एक मामला रजिस्टर हुआ है, ये मामला, ये केस नंबर है, आप कृपया करके FIR से अपनी विवेचना में मेरा नाम हटा दीजिए, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है। अब जब ये बात इंस्पेक्टर से की जाती है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये देखेंगे,
जो भी आपका रोल होगा, जो निकलकर सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पर आगे भी सचिन जो है इंस्पेक्टर साहब का फोन नंबर लेने के बाद उनसे बातचीत करता है और इंस्पेक्टर साहब एक दिन फोन पर उसे कह देते हैं कि ठीक है तुम्हारा काम तो हो जाएगा पर इस पूरे काम के लगेंगे 2 लाख रुपए। अब कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर हीरा सिंह ने 2 लाख रुपए की मांग की। सचिन कहता है कि ठीक है सर, मैं सोचकर आपको बताता हूं, जैसे ही पैसों का अरेंजमेंट होगा और जैसे जैसे होगा मैं उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। अब इसके कुछ दिन बीत जाते हैं। इस बीच जो सचिन विमल है वो अपने परिवार में अपने दोस्तों से भी जिक्र करता है और वो कहते हैं कि ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि इस पूरे मामले में इस केस से बचने के लिए पैसे दिए जाने चाहिए तो दे दो। अब इसके बाद सचिन विमल के मन में आता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दूंगा और ऐसा करने से इंस्पेक्टर को कथित तौर पर रोकने के लिए या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सचिन विमल ने एंटी करप्शन ब्यूरो में जाना सही समझा। अब इसी क्रम में जो सचिन है वो पहुंच जाता है एसीबी के दफ्तर में। वहां पर जाकर अधिकारियों से पूरी बात बताता है, पूरी कहानी पूरे केस को बयान करता है। वो कहता है एक मामला मेरे खिलाफ रजिस्टर हुआ है, अब आईओ साहब इस केस में 2 लाख रुपए कथित तौर पर मांग रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग भी उन अधिकारियों को दिखाता है कि फोन पर किस तरह से एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी उनसे पैसे मांग रहा है। अब जब ये बात हो जाती है तो इसके बाद भी एसीबी संतुष्ट नहीं होती, एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में जब तथ्य सही पाए जाते हैं तो उसके बाद एक ट्रैप प्लान किया जाता है। अब जो सचिन विमल है वो एसीबी के कहने पर वो फोन करता है इंस्पेक्टर साहब को और कथित तौर पर कहता है कि सर मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ है, यानी कि 1/4 जो पार्ट है 50,000 रुपए का वो फर्स्ट पेमेंट मैं आपको कर देता हूं, उसको लेने के लिए आपको पुलिस क्लब के नजदीक आना पड़ेगा, मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा और 50,000 रुपए की पेमेंट कर दूंगा। अब इस पर इंस्पेक्टर साहब भी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक तैयार हो जाते हैं। अब जो दिन मुकर्रर किया जाता है वो किया जाता है शनिवार का, 28 सितंबर का। इस दिन को इंस्पेक्टर साहब पहुंच जाते हैं पुलिस क्लब के नजदीक और वो कभी अपने फोन की तरफ देख रहे थे तो कभी कोई व्यक्ति उनके पास से निकलता तो वो उन्हें जय हिंद सर या नमस्कार सर कहकर निकल रहा था। अब इस बीच अचानक से क्या होता है, सचिन विमल वहां पर आता है, इंस्पेक्टर साहब को नमस्कार करता है और उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। जब दोनों बातचीत कर रहे थे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब इस बीच कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक पैकेट सचिन इंस्पेक्टर साहब को पकड़ाता है, इंस्पेक्टर साहब उस पैकेट को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही इंस्पेक्टर साहब ने ये पैकेट पकड़कर अपनी जेब में रखा तभी अचानक से कुछ लोग भागते हुए इंस्पेक्टर साहब की तरफ पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर हीरा सिंह को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। अब सड़क पर इतने लोग मौजूद थे पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर को, एक पुलिस के इंस्पेक्टर को सादे कपड़ों में आकर लोग इस तरह से पकड़कर क्यों खड़े हैं जैसे कि वो खुद ही मुजरिम हो। अब सब देख तो रहे थे, कुछ कुछ किसी को समझ भी आ रहा था पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इस बीच जो असलियत निकलकर सामने आई वो पता चला कि एसीबी के ट्रैप में या फिर यूं कहें कि एसीबी की रेड में इंस्पेक्टर हीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एफआईआर रजिस्टर की गई पर इस मौके पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैंने जांच प्रक्रिया के तहत जो केस मुझे दिया गया था कुछ दस्तावेज मांगे थे और इसी क्रम में मैं आगे का काम भी कर रहा था, मुझ पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, पूरी तरह से गलत है। बहरहाल पुलिस ने, एसीबी ने अपनी एफआईआर को रजिस्टर कर लिया और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ साथ और भी कई धाराएं लगाते हुए इंस्पेक्टर साहब को अदालत में पेश किया गया। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है, हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी कितनी भी पावरफुल पोजीशन पर कोई व्यक्ति पहुंच जाए, कोई पुलिस का अधिकारी बन जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए, आईपीएस अधिकारी बन जाए या फिर कोई और पावरफुल पोजीशन पर पहुंच जाए, पर कभी भी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी और नैतिकता का साथ देना चाहिए ताकि देश की तरक्की में हम सहयोग कर सकें और एक विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकें। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो भी फैक्ट्स
इस पूरे मामले में रखे गए हैं वो अंतिम तथ्य नहीं है। इस पूरे मामले में माननीय अदालत का फैसला ही अंतिम तथ्य होगा। जय हिंद।